आज क्या बन रहा है ये तो बताएं, आप भूल ही गए हम। अच्छा आज मैं बना रही हूँ मलाई चिकन कीमा। मलाई चिकन कीमा बिल्कुल। मुझे सबसे बड़ी शिकायत है जो मैं आके ऑन एयर ही करती हूँ वो ये होती है कि मुझे ये कोई भी रेसिपी फॉरवर्ड नहीं करती। दोबारा जाके शोज देखने पड़ेंगे रिपीट में भी। बस बिल्कुल तलो कुकिंग ऑयल यूज करूंगी। यहाँ पे मैंने जो है ना पैन को गर्म कर लिया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तलो कुकिंग ऑयल। अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ, क्या बात है अम्मा। बिल्कुल अम्मा तलो में जो बताते हैं वो ये कहते हैं कि अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। तलो पे है पिछले 70 सालों से माओं का भरोसा, जो बनाए हर खाना जायकेदार सेहतमंद। वाओ मैं अपने अंदाजे में तो एक बार बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल पांच ही सको था पांच अंदाज में। अच्छा तो इस रमजान बनाए तलो में मजे मजे के सेहतमंद खाने, ताकि आपके घर में भी बच्चे बोले अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। बहुत तंग करते हैं हम इसको, बहुत तंग करते हैं जी मना था। अच्छा मैंने ऑयल यहाँ पे गर्म करने के लिए रख दिया। गला बड़ा खराब हो रहा है पता नहीं क्यों, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ और बात करने में बड़ी तकलीफ हो रही है। और ये होता है रोजे में आप मशरूबात वगैरह पीते हैं, लेकिन मैं तो वो भी नहीं पीती हूँ, मैं बहुत एहतियात कर रही हूँ। मैं टैंक पी दी है सा अभी, मैं तकरीबन कल कौन पीती है कल कौन पीती है ऑलरेडी तबियत मतलब मजे में हुई कौन वरी गलो खराब थी मैंने। अच्छा मैं रेसिपी बता देती हूँ जी बताएं। बिल्कुल चिकन का कीमा यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 400 ग्राम है तकरीबन है। इसके अंदर हमने दही लेना है, यहाँ पे क्रीम रखी हुई है और यहाँ पर मलाई भी यूज़ कर सकते हैं वैसे क्रीम की जगह, मलाई ही होती है बस पैकेट वाली है। तो हमने यहाँ पे लहसुन अदरक लिया हुआ है, काली मिर्च है, लाल मिर्च कुटी हुई पिसी हुई और धनिया पाउडर, यहाँ पे हरा धनिया और हरी मिर्च है और नमक है, हर घर में हर वक्त मौजूद हूं। लहसुन अदरक जो पेस्ट भी मोस्टली सामान ग्राइंड कर भी घर में रखना आहिनि, बाकी हर रेसिपी में लाजमी खपंदो आहे। मेन जेके शयूं आहिनि हिकिड़ो चिकन जो कीमो अथव, हिकिड़ो दही आहे, हुन सां गॾु क्रीम आहे। क्रीम जी जॻहि ते तव्हां मलाई बि यूज़ करे सघो था, लेकिन तव्हां इहे क्रीम यूज़ कंदा आहियो टेस्ट ॾाढो सुठो बीहंदो। मां तव्हांखे एडवाइस ॾियां ठीक है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ, पहले मैं लहसुन अदरक डाल रही हूँ, तेल गर्म हो गया है उसमें। अभी इससे भी हम ये नहीं सीखते ना कि मतलब घर में मैं जो जाती हूँ तो मुझे यही कंप्लेंट मिलती है कि आज हमने क्या बनाना है। हाँ डिफरेंट बनाए कुछ हमने पहले ना खाया हो। अब ये कि आज मेरे पास कीमा भी घर पे रखा हुआ था और मैं जाके घर पे ट्राई करूंगी, देखती हूँ अफ्तार के बाद के आपके भाई को पसंद आता है कि नहीं आता। इसके अंदर चीज भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा बिल्कुल। अच्छा चीज से फिर टेस्ट चेंज नहीं हो जाएगा इसका? होगा थोड़ा सा ना, वो फिर पनीर रेशमी टाइप का बन जाएगा। okay. तो अगर थोड़ी सी रेसिपी में चेंजेस करनी है तो फिर इस तरह से कर सकते हैं। शैला के हिसाब से आपने ऑयल कम यूज किया है? नहीं नहीं, मैं एक बात बताऊं, कभी कभी ये जो चिकन का कीमा होता है ये ज्यादा ऑयल नहीं उठाता, तो उसके लिए इसकी क्वांटिटी कम रखनी होती है। कढ़ाई होती तो कढ़ाई तो मैंने भी जाके रात को बनाई। अच्छा काली मिर्च वाली ही बनाई, वो जो आपने बनाई थी और मैंने बनाई कश्मीरी। और मुझे जो ना क्या रिस्पांस मिला मैं पता नहीं चला कि मुझे खाना नसीब नहीं हुई और खा ली किसी और ने, सब ने खा ली थी। मैंने बना के रखी तो मैंने कहा मैं सहरी में भी थोड़ा सा उसको टेस्ट करूंगी, बाद में खाऊंगी, खाने का टाइम निकल जाता है अफ्तारी के बाद, तो आपने खाना खा लिया। ठीक है मैं एक दफ़ा रेसिपी रिपीट कर देती हूँ। इसके अंदर मैंने तलो कुकिंग ऑयल यूज़ किया है, उसके बाद हमने इसके अंदर डाला है लहसुन अदरक और फिर लहसुन अदरक डालने के बाद हमने इसके अंदर कीमा ऐड कर दिया। कीमा ऐड करने के बाद हमने उसको पकाया है जब तक उसका रंग चेंज नहीं हो जाता। अब इसको ढक देते हैं थोड़ी देर। यही मैं चाह रही थी, ढक्कन देंगे तो उसका जो स्टीम है उसमें अच्छे से पकेगा। अच्छा रंग चेंज हो जाएगा तो फिर आपने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं। मसालों में क्या क्या चीज़ें हैं? नमक है, काली मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ें डाल के इसको पकाना है अच्छे से। जब थोड़ा सा खुश्क हो जाए, तेल ऊपर आने लगे, आप इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। दही डाल के आपने इसको पकाना है, दही पानी छोड़ता है, तो फिर हमने इसको पकाते हुए ढक दिया। थोड़ी देर ये स्टीम में पकेगा एंड देन फिर हम इसके अंदर एंड में क्रीम ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे और फिर आपने घर में जैसे हम सोलर लगवाते हैं या यूपीएस लगवाते हैं तो बहुत ही यूनिक ही यूज करनी चाहिए। अच्छा यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च को चॉप कर दिया और वो भी मैं इसके अंदर अभी ऐड करने लगी हूँ। ठीक है अच्छा इसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। मुझे इतनी वो हो रही है मुखे भी
अच्छा, जबकि मैंने इतनी मिर्ची डाली नहीं है नहीं, लेकिन इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, इसको कहते हैं खुशबू, वो खुशबू हमारी बहुत ही अच्छा बुधाई नालू इन खुशबू से अगर करके भी गाल जहन में अची वही जम्मू का टैंक जो जिक्र थी रहे हो तो बुधाई नालू असान प्रोग्राम में खोड़ सारा बेस्ट स्पॉन्सर्स हैं जिनके अस अपने प्रोग्राम में याद कंदा हलूँ उन में असा गए तलो तलो तो असो मेन किचन पार्टनर है उन गए टैंक उन ब्रुक वन सुप्रीम असन सुपर बिस्किट असा गए वाइटल टी असा जेस बैंक भी तावन किया गड गड वाइटल टी वाइटल पियो जिंदगी जियो बिल्कुल फॉर मी असा गडाइन त मुझे याद में नालू तो जी मन सा सेल मिर्च कटिया मुके खांसी चिकू इलाही कुछ स्टार्ट थी होलो पर तहा ब माशाल्लाह ब्रेक के दौरान सुठो मजगलो लगाए बैठा होया अच्छा यहां पे मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर रही हूं और फिर ये क्रीम डाल के सो करेंगे उनको यही डर लग रहा था कि ब्रेक से पहले आप डिश ना आउट कर दें बिल्कुल क्योंकि ये डिश है बिल्कुल इजी झटपट हां झटपट में पची थी वाली वाओ कितनी प्यारी लगी पकने से पहले ही जो ना इसके क्या कहते हैं खाने वाले पहले से तैयार हो जाते हैं पहले उनकी वो कमिटमेंट हो जाती है मैंने खानी है मैंने खानी कोई हाथ नहीं लगाएगा पर हम कहते हैं ठीक है भाई ये देखें बस थोड़ा सा और पकेगा इसके अंदर भी आप कोयले का धुआं लगा सकते हैं ऑप्शनल okay. है स्टीम स्टीम ले सकते हैं और भी मजेदार इसका तो वो हो जाता है थोड़ा सा उसमें धुआं देते हैं तो ऐसे लगता है कि टिपिकल चूल्हे पे पकी है ओके लकड़ियों पे वाह 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 अच्छा रेसिपी दोबारा रिपीट कर दें अगर अच्छा इसके अंदर हमने तलो कुकिंग ऑयल यूज़ किया है और उसके बाद हमने उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है फिर हमने इसके अंदर चिकन का कीमा ऐड किया है उसको हमने भूना है जब तक चिकन अपना रंग चेंज ना कर ले फिर उसके बाद हमने इसके अंदर मसाले डालने हैं नमक काली मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च पिसी हुई लाल मिर्च और फिर हमने इसके अंदर डालना है धनिया पाउडर ये डाल के हमने इसको भून लेना है उसके बाद हमने इसके अंदर दही ऐड करना है दही अपना पानी छोड़ेगा क्योंकि कीमा ड्राई हो जाता है जल्दी दही में इसको थोड़ी देर पकाना है जब ड्राई हो जाए और फिर इसके अंदर हमने कुटी हुई सॉरी हरी मिर्चें कट करके चॉप करके वो ऐड की है वो तो इन्होंने ऐसे मिक्स कर दिया कि आप फील भी नहीं हो रहा फील नहीं लग रहा उसका टेस्ट आएगा और जैसे टेस्ट होती है तो बड़ी मजे की बनेगी और उसके बाद जो है हमने इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर दी और एंड में हमने इसमें क्रीम ऐड की है और ये हो गई है ऑलमोस्ट रेडी अच्छा गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है इसको Yes. अच्छा आप इसको डिश आउट करेंगे इसको मैं निकाल लेती हूँ वाओ रेसिपी तैयार काम कर जाती है अच्छा माँ करे में नहीं आया मैं उल्टे सांस मैं जो मैं उल्टे हाथ से जो है ना थोड़ा इस तरफ से ज्यादा बेहतर होता लेकिन अभी मैंने कहा कि मिर्ची के मथा कयो से थोड़ो मिर्ची के मथा कयो से हां इने जो लुक ईंदो ना एकड़ो जी असा के पांजे लुक ची परवा होंदी आ त मिर्ची के भी त होंदी ना हां मिर्ची जो भाई लुक लाजमी है छो कलर इने जी तो जाहिर थन था पिया ओके भाई आपकी हो गई डिश आउट और ये ले आपका हमारा तलो किचन पार्टनर ये भी आ गया है डाल देंगे थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए यस हरा धनिया वाइट और हरा धनिया अगर आप घर में हैं तो इसको और पका सकते हैं इतना ही सही है जो अपना ऑयल छोड़ दे हाँ हाँ इसको और पकाएं मैंने ऑयल इसमें कम ही रखा है ठीक है ठीक है अच्छा ये सारे किचन पार्टनर अच्छी हुआ है तलो पूरी पराठों के साथ वाओ पूरी पराठा के साथ ये पराठे के साथ बड़ा मजा देगी जो बात है कि इसका जो टेस्ट है ना वो इस हिसाब से है कि हिन के तमा खाई सको ता चपाती सा जो को पराठो जो को बहरा मिलंदो ना बिल्कुल क्रंच हो ना मजे दोनों साथ खाई सको ता असल में जो खान सामान ना बेहतरीन पराठा पचाइंदा कदे अच्छा खाया पाए मैं तो आप दोनों को बोल के जाता हूं तलो कुकिंग ऑयल में ही बनता है हां वो बनता तलो में ही हमारे घर में लेकिन ये है कि पका के खिलाएंगे हम नहीं मैं इसके बारे में बताती नहीं बनाएगी वहां हम बनाएंगे मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ तलो पे है पिछले 70 सालों से माओ का भरोसा जो बनाए आपके खाने जायकेदार और सेहतमंद इस रमजान बनाए तलो में मजे मजे के सेहतमंद खाने ताकि आपके घर वाले और बच्चे भी बोले अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ आप ऐसे भी एक बार दोबारा रिपीट करें तो फिर हमने सेट पे चले जाएं ठीक है मैं बता देती हूँ तलो कुकिंग ऑयल यूज किया है हमने उसको गर्म करने के बाद हमने लहसुन अदरक डाला है और इसमें हमने चिकन का कीमा ऐड कर दिया चिकन का हमने रंग चेंज करते हुए इतना पकाना है कि वाइट हो जाए फिर उसके बाद हमने मसाले डालने हैं काली मिर्च डालनी है नमक डालना है उसके अंदर हमने पिसी हुई लाल मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया पाउडर ये डालने के बाद उसको पकाना है भूनना है उसके अंदर दही ऐड करना है दही को पकाना है फिर एंड में हमने इसके अंदर हरी मिर्चें चॉप करके वो डालनी है क्रीम ऐड करनी है और हरी मिर्चें बीच में से स्लिट करके इस तरह से डाल के और फिर पकाना है और फिर हमने कम से कम 5 से 10 मिनट उसका पानी भी खुश्क हो जाए फिर उसका जो कलर आ जाए और सेम उसका ऑयल जब छोड़ना
शुरू होता है तो आपको खुद भी लगता है कि अब तो हमारी रेसिपी रेडी है, और फिर हम इसको स्मोक भी दे सकते हैं और तो वो एडिशनल फ्लेवर जो है ना हो जाता है, कोयला कढ़ाई या कोयला जिससे उसका टेस्ट होता है वो आ जाता है। सो बहरहाल यही असा डिश आउट थी चुकी है, असा आलू तो अपने सेट थे।